working. का टाइम है, मैंने बाथ वगैरह ले लिया है और समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करूं। अभी सुबह का टाइम है, मैंने सोचा था कि आज मैं मार्केट जाऊंगी, लेकिन हर बार की तरह मैं हमेशा लेट उठी हूं और मैं वीडियो के चक्कर में अपना ऑनलाइन क्लास करना ही भूल गई। तो अभी घर में कुछ लोग आए हैं तो मैं इसलिए अंदर से बाहर आ गई। तो या गाइस, मैंने एक चैलेंज लिया है, मैं एक हफ्ते तक पूरा डेली व्लॉग्स डालने वाली हूँ। तो ये मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब मुझे ये तो निभाना तो पड़ेगा ही। तो या देखती हूँ कर पाती हूँ या नहीं पाती हूँ। और ये वाला ट्राइपॉड मैंने इसलिए लेके रखा है हाथ में, एकदम बकवास, रुको रुको अंधेरा आ रहा है उधर, एकदम बकवास ट्राइपॉड है। मैं और जीवन में ऐसा ट्राइपॉड नहीं खरीदने वाली हूँ। सस्ता सा मतलब अगर आपको लेना है तो अच्छा वाला लो, प्राइस दे के ही लो, थोड़ा बहुत रेंज का हो सकता है लेकिन अच्छा वाला लो। ऐसे ही ये सब में पैसा वेस्ट मत करो, क्योंकि आप इसका जो ग्रिप देख सकते हो एकदम बकवास है। मैं दिखाऊंगी अच्छे से बाद में, रुको। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने तो कुछ खाया नहीं है, बस नॉर्मल वार्म वाटर पी लिया एंड नहाने चली गई मैं, तो खाऊंगी लोग जाने के बाद। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अपना बाल को वॉश कर लिया है, क्योंकि मैंने ऑयलिंग किया था कल रात को, तो इसलिए सुबह सुबह आपको थोड़ा सा मेरा बालों में ऑयलीनेस दिखाई दे रहा होगा, दे रहा था शायद, क्योंकि अभी तो नहा लिया है तो ऑयल भी चला गया। एंड इस ट्राइपॉड का अभी मैं रिव्यू दूंगी, खाने से पहले रिव्यू दे लेती हूँ। इसका आप लोग ग्रिप देख सकते हो, एक रबरी टाइप का है, ये एकदम बकवास है। अगर आप ये वाला फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से भी खरीदना चाहते हो ऐसा वाला ट्राइपॉड तो मत खरीदो। इसका नाम शायद गोरिल्ला कुछ ऐसा ट्राइपॉड है, मुझे नहीं पता, एकदम बकवास ट्राइपॉड है। एंड ये मुझे मे बी 320 लिया था, मेरा 340 इतना ही लिया था, हाँ 340-320 लिया था, तो एकदम बकवास है उस रेंज में। अगर आपको लेना है तो कोई एक्सपेंसिव सा ले लो, अच्छा वाला ऐसा मत खरीदो, मेरा इतना ही रिव्यू था इसके बारे में। तो या गाइस, मैं उधर से इधर आ गई क्योंकि बाहर मतलब मेरे रूम में दो भैया लोग आए हैं एसी ठीक करने के लिए, और बाहर कोई मेहमान लोग हैं, तो या इसलिए मैं इस रूम में आ गई हूँ खाने के लिए। ऐसे तो मुझे खाने का आदत नहीं है हाथ में लेके, लेकिन मुझे बैठ के आराम से खाने का आदत है, तो इस रूम में एक टेबल था तो सोचा कि यहीं खा लेती हूँ। और मैंने अपने माताश्री से वो क्लिप मांगा था, क्लचर मांगा था मेरे बालों में लगाने के लिए, लेकिन मेरे माताश्री ने मुझे नाजायज़ औलाद बना दिया है, मुझे क्लिप नहीं दिया, बिल्कुल मुझे एकदम ही इग्नोर कर दिया जब मैंने क्लिप मांगा। बोल रही कि मैं उन लड़कों के सामने बाल खोल के जाऊँगी क्या। आप लोग ये मत सोचना कि मैं सीधा खाने के लिए ये सब उठा के लेके आ गई ब्रेकफास्ट में, ये कोई मेरा ब्रेकफास्ट नहीं है, ये मेरा लंच है। मैं ब्रेकफास्ट लंच एक ही करती हूँ, जैसे कि देखो ब्रेकफास्ट में मैं चावल खा लूँगी और लंच में मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, नहीं तो लंच में मैं खाती हूँ ब्रेकफास्ट में मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मेरा ऐसा ही होता है। लंच ब्रेकफास्ट मेरा एक ही होता है, ऐसा नहीं हो रहा कि मेरा ब्रेकफास्ट अलग से होता है फ्रूट्स वगैरह। मेरा डाइट काफ़ी ख़राब चल रहा है, जल्दी से मुझे डाइट को ठीक करना पड़ेगा लेकिन थोड़े दिन के बाद। और आपको फ़ैन का आवाज़ आ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं इतनी गर्मी में फ़ैन ऑफ करके बातें नहीं कर सकती हूँ। तो या गई जल्दी से खा लेती हूँ अपना लंच ब्रंच एंड ब्रेकफास्ट, एंड प्लीज़ इस बैकग्राउंड को इग्नोर करना क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में तो होता ही है ऐसा, ये चिलन है, कभी ये भी ठीक हो जाएगा एक दिन।
तो मेरी माँ ने मुझे ये पैसा दिया है, बोल रहे कि एसी का हवा नहीं चाहिए तो ये पैसा ले लो, एसी खराब हो गया है तो एसी का अभी लेगा 7,000-8,000 इतना, और मम्मी बोल रहे कि ये पैसा ही ले लो। तो मैंने बोला कि ठीक है पैसा दे रही हो तो कोई बात नहीं, हाही से क्यों एकदम हाही सो सा ए, पैसा तो मुक एसी हवा ना लगे, एसी हवा ना लगे, ये पैसा मेरा हो गया, आई डोंट वांट एसी का हवा, आई ओनली नीड सम मनी टू बाय अ न्यू फोन। सो या खाना खाने के बाद मुझे बहुत तगड़ी नींद आई और मैं सो गई। अभी भी थोड़ा बहुत नींद आ रही है, लेकिन सोचा कि चलो डेली व्लॉग कर रही हूँ तो दिखा ही देती हूँ कुछ ना कुछ। और मैं आई हूँ अभी बाहर हमारे बगीचे पे, गार्डन पे, और मैंने देखा कि नीचे बहुत सारा आम गिरा हुआ है, लेकिन सारा आम खराब हो गया है, थोड़ा बहुत पक जाता है, गिर जाता है और खराब हो जाता है। ये देखो पूरा चीतिया आ गया और ये फट गया है। मैंने सुना है जब आम फट जाता है तो आम खराब हो जाता है, तो लेके जाके देखूंगी काट के बाद में, अभी तो रहने देती हूँ। ये देखो पूरा गिर गया, ये रहा आम का पेड़, आई विल शो यू, ये रहा आम का पेड़। तो यहाँ समझ ही नहीं आ रहा क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, इसलिए इधर उधर जा रही हूँ। अभी देखो आपको एंटरटेन करने के लिए कोई मेरे घर में एक्स्ट्रा बंदा बंदी है नहीं, और ज़्यादातर लोग तो है मेरे घर में जो कैमरे के सामने नहीं निकलते हैं मेरे मम्मी के अलावा, और ज़्यादा लोग हैं ही नहीं फैमिली में, तो ये बात है। थोड़ा बहुत बाहर ही निकल के आके देखा मेरे घर के सामने जो ये वाला भूत बंगला है, इट्स नॉट भूत बंगला, ये वाला एक मतलब वो है पता नहीं क्या है, और मेरा चप्पल निकल गया, बातें करते करते मेरा चप्पल ही निकल गया, पहन लेती हूँ। तो पीछे का काफ़ी सुंदर नज़ारा है एंड ये पूरा जंगल जंगल हो गया है, और फिर से अभी मैं फ़ोन रख के फिर से सो जाऊँगी क्योंकि आ रही है मुझे फिर से तगड़ी नींद, एक बार सो गई फिर से सोना पड़ेगा। और अभी मैं चिप्स खा रही हूँ, मेरा डेली व्लॉग दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं गाइस, मैं सुबह उठती हूँ खाना खाती हूँ फिर लेट जाती हूँ ऑनलाइन क्लास करके, ऑनलाइन क्लास भी कभी कभार लेट लेट के ही कर लेती हूँ। wow! तो शाम को आम का सीजन है तो आम वगैरह खाती हूँ, देन फिर से लेट जाती हूँ बिस्तर में मोबाइल लेके, फिर रात को डिनर करती हूँ, डिनर करके फिर लेट जाती हूँ मोबाइल लेके। मेरा डेली लाइफ यही है, मेरा डेली रूटीन, और कुछ नया दिखाने के लिए है नहीं तो इसलिए। तो हाँ जी, अगर मैं आपको वीडियो में बोर कर रही हूँ आज के व्लॉग में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि और कुछ दिखाने के लिए है नहीं, अभी तो लॉकडाउन है, घर में ही सरे सरे पढ़ना है गिरना है मुझे। एंड या अगर आपको ज़्यादा बोर लग रहा है तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो, और मेरा कैमरा का एंगल ऐसा ऐसा होके आ रहा है, एंड आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं अपने वीडियोज़ को एंड व्लॉग्स को और कैसे इम्प्रूव कर सकूँ। एडिटिंग में तो शायद कोई कमी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत बनाने में कमी हो सकती है, कंटेंट में कमी हो सकती है, क्योंकि मुझे जितना तर मुझे पता है मैं एडिटिंग ठीक ठाक ही कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, इतना तो कॉन्फिडेंस है मेरे पे तो। लेकिन मेरा ऐसा होता है ना, मैं पब्लिक में जाके व्लॉग नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों उतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरे में आया नहीं है पब्लिक में व्लॉग करना, क्योंकि अगर मैं फ़ोन को ऐसे पकड़ने लग जाऊँ तो लोग ऐसे ऐसे घूर घूर के देखते हैं और बातें बनाने के लिए शुरू हो जाता है हमारे इधर, तो इसलिए मैं ज़्यादा पब्लिक ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। मैं शर्माती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे कि आज एसी वाले भैया आए तो मैं वहाँ पे भी ब्लॉग नहीं बना पाई, जैसे कि मैं दिखा सकती थी देखो भैया लोग आ गए एसी ठीक करने के लिए ऐसे ऐसे, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं शर्माती हूँ, मतलब मुझे उतना मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे में कि मैं बनाऊँ लोगों के सामने बात कर पाऊँ, मुझे ये डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए बोलते बोलते, लोग हंसे ना मेरे पे। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना चैनल का नाम चेंज कर दूँ, प्रीति बोंगवा है व्लॉग्स से कुछ और नाम दे दूँ, क्योंकि पहले मैंने प्री व्लॉग्स रखा था तो मैंने बीच में वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया था, वीडियोज़ डाला ही नहीं था बहुत दिनों तक, दो वीडियोज़ डाल के मैंने छोड़ दिया था, तो किसी और ने उसी नाम से प्री व्लॉग्स खोल लिया है, प्री व्लॉग्स नाम का चैनल खोल लिया है और उनका 1K सब्सक्राइबर्स हो गया है, तो इसलिए मैंने अपना चैनल का नाम ही चेंज कर दिया। तो मैंने प्रीति बोंगवा व्लॉग्स रख दिया क्योंकि मुझे मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से अपना नेम चेंज कर दूँ चैनल का। तो आप लोग भी अगर कमेंट में बता सकते हो तो बताना कि क्या रखूँ, रखना तो मुझे ही है अपना चैनल का नाम, लेकिन ये हम सबका चैनल है, आपका भी चैनल है मेरा भी चैनल है,
तो प्लीज़ आप भी कोई आइडिया दे सकते हो कमेंट में। एंड मैं इसलिए डेली व्लॉग ज़्यादा नहीं डालती, डेली वीडियोज़ इसलिए नहीं डाल पाती क्योंकि एक तो फ़ोन का प्रॉब्लम है, मेरा खुद का फ़ोन नहीं है क्योंकि मेरा फ़ोन ऑलरेडी ख़राब हो गया है। ख़राब मतलब एक साल हो गया मैंने फ़ोन नहीं खरीदा है ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो मैं अपना मम्मी का फ़ोन यूज़ करती हूँ एंड इसमें स्पेस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ऐसा होता है ना, अभी मैं ये वाला व्लॉग का शूट कर रही हूँ ना, ये वाला व्लॉग का शूट करके जब तक एडिट करके मैं वीडियो अपलोड ना कर दूँ और जब तक मेरे फ़ोन से ये वाला वीडियो मतलब डिलीट ना कर दूँ और जिस ऐप से मैंने एडिट किया था वो सब मैं अनइंस्टॉल ना कर दूँ, तब तक मैं दूसरा वाला वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि स्पेस ही फुल हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम है मेरा। एंड मम्मी का फ़ोन है, मम्मी का भी काम रहता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। अभी मम्मी भी अपना काम नहीं कर पाती क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन मेरे पास ही रहता है, एक ही फ़ोन है जो कि हम चला रहे हैं मम्मी और मैं। अभी तो मोबाइल लेने का बिल्कुल नहीं सोचा है क्योंकि पैसा भी नहीं है अभी, देखती हूँ बाद में लूँगी कभी। फिर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार मेरे चैनल को, जल्दी से कुछ कर पाऊँ। जैसे कि बोला दोपहर का टाइम है, थोड़ी देर पहले चिप्स खाया और मैंने बोला था कि दोपहर में मैं खाती हूँ फ्रूट्स वगैरह, तो ये रहा मेरा फ्रूट्स मम्मी लेके आई है। एंड साइड में आप लोग ये मेरा बैग देख सकते हो, ये वाला बैग बिस्तर के ऊपर इसलिए है क्योंकि नीचे थोड़ा बहुत सामान है, आज सामान रख दिया इसलिए मैं ऊपर ले आई। मैं इसको फिर से नीचे रख दूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे गाली मत देना कि बैग में क्या बोलता है ये बिस्तर में ऐसे बैग बैग नहीं उठाते, ऐसे मत किया करो, मैं नीचे रख दूंगी डोंट वरी। तो अभी अपना फ्रूट्स एंजॉय कर लेती हूँ मैं, ये मेरा हमेशा का अभी एक रूटीन बन गया है कि मैं डेली मतलब ये इवनिंग को या आफ्टरनून को मैं ये क्या बोलते हैं फ्रूट्स खाती हूँ। मैंगो का सीजन है तो मैं मैंगो खाती हूँ। थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि हम मैंगो तोड़ने जाएंगे। Work it. Woo!